नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम बीके हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। आपको बता दें एक बड़ी दुखद खबर है, आप देख सकते हैं यहाँ परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं और एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया है एसी नगर से। एक बार जानेंगे, बात करेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम बीना जी। और ये जो लड़की जिसकी डेथ हुई है उसका क्या नाम? उसका नाम बबीता जी। हाँ जी, मैं समझना है वो। अच्छा, ये कहाँ भी आई थी? ये भी आई थी क्या? वो एसी नगर भी आई थी। एसी नगर। हाँ जी, हाँ जी। किसके साथ, क्या नाम है उस लड़का का? नाम क्या? सुजल है। सुजल। हाँ जी। कब शादी हुई थी इसकी? 3 साल हुई शादी। हाँ जी, अब 3 साल अप्रैल में हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो अब क्या हुआ था? ये हुआ था जी, ये अपने इसकी मार पीट करते थे इसके रोज की। इसकी सास भी मारते, इसके घर वाला मारता था। तो इसकी मम्मी कल जाके इसको ले आई थी। अच्छा। तो ले आई थी तो इसी लड़की की होगी तबीयत खराब, जैसे मारी पीटी है, दर्द वगैरह हो गया। तो हम इसको रात को ले आए थे अस्पताल में। तो उसकी सास आई अचानक गैल में, तो बोली चलो मैं इसको वहाँ ले चलती हूँ। पहले ले गई थी मैं इसमें 3 नंबर में, ये हॉस्पिटल में। तो यहाँ ले गए थे, वहाँ उसने लिया नहीं था क्या इसको? इसका नाम नहीं इसमें, इस कार्ड में, तो आप इसे ले जाओ। तो फिर ये ले गए थे बीके में लेके आए थे। उन्होंने बोली कि उसकी सास बोली कि बीके में एडमिट करो आप, हम करेंगे इसे प्राइवेट में। तो प्राइवेट में बोल रही थी उसने पैसे आप दो और पैसे कुछ मैं करती, कुछ आप करो। तो बेचारी वो लेने भेजती कागज लेने भेजती। तो देखो आप उसको घर ले जाने क्या मतलब था, आप उसे घर ले जाके उसको मार दिया। मतलब हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल से लड़की की मम्मी को घर भेज दिया कागज लेने के लिए, और खुद उसको वो खुद उसके घर ले गया और घर ले जाकर उसको मारते गलब। एडमिट नहीं कराया था, उसे ले गई थी एडमिट, कहाँ हो दिया था उसको? अच्छा, ऑटो में ही लेगी, नहीं हो पाया था उसे, ऑटो में ही लेगी थी वापिस। कह रही चलो इसे प्राइवेट में कराएंगे, तो वो कहने लगी चलो कुछ पैसे में करते कुछ तो करो। तो वो उसकी ठीक है कि चलो पैसे तो कर लिए जाते हैं कि तो उसको कागज लेने भेज दी उसकी मम्मी को। तो उसको उसे आने भी नहीं दी, इसने मौका नहीं देगा। उसने तो झट उसको घर पे लेगी, घर पे ले गया थोड़ी देर, 5 मिनट में तो उसकी खबर आ गई मर गई वो। ये होता है मेरे सामने की बात है जी। जब अस्पताल में, ये तो मतलब संदेह वाली बात है कि जब आप अस्पताल में लाए थे उसको भर्ती कराने के लिए, तो फिर घर क्यों ले गए? घर ले जाने लेके तो इसे बादशाह खान इसी में आए थे लेने के लिए, भाई यहाँ करेंगे एडमिट। तो उसने अपनी चलाई थी, बोली कि यहाँ नहीं करेंगे हम, तो प्राइवेट दिखाएंगे उसको। तो वो भी ठीक है, तो प्राइवेट में दिखाने के लिए चलो यहाँ से लेगी, तो उसे प्राइवेट ले जाना चाहिए था, घर के का मतलब पड़ा है नहीं। तो वो घर पे लेगी जी, घर पे जाते ही 5 मिनट बाद उसके मम्मी के पास फोन आ गया कि वो तो मर गई। बताओ कि तू पैसे ले क्या प्राइवेट नहीं चले, कुछ मैं लेके आती हूँ। ठीक है जट्टू उसे घर लेगी, घर जाते उसको 5 मिनट बाद फोन आ गया। इतने फोन आते ही जट्टू वो कहती मर गई लड़की तेरी, ले जा इसको। फिर सुबह गए थे लेने के लिए, तो उसे लेने भी नहीं देते कि हम क्या जस्ट ले गए उस लड़की को, भाई पोस्टमार्टम करवाए कैसे मारी तूने, कैसे नहीं मारी। मरने लायक नहीं थी जी वो लड़की, बहुत अच्छी बात करी थी रात को हमसे, बात करी मौसी राम राम सब तरह की बात हुई, हम घनी देर बतलाई थी उससे, ऐसी बात नहीं थी। लड़की नाम नहीं था बबीता, उसकी मम्मी का नाम बबीता था जी। लड़की का नाम था गुरु गुनते। हाँ जी। कितनी उम्र होगी उसकी? है 18 साल है। 18 साल है। 18 साल जी, छोटी सी उम्र में शादी करती थी उसकी। अच्छा, मतलब नाबालिग में शादी करती है, नाबालिग ही ऐसी 15-16 साल की शादी करती थी। ये भी गलती है एक तरह से, नाबालिग में। अच्छा, हमारे कास्ट में जल्दी कर देते हैं लड़की शादी, क्या करें माहौल कानून तौर पर। हाँ वैसे जी, बस ऐसे कर देती थी कि घर वाला तो है नहीं, तो गरीब हालत में बेचारे नहीं करे। अब फिर इसकी लव मैरिज कर रहे थे, शादी में दान दी खूब दिया था इसको, फिर उसके बाद ये पैसे दिला मांगते। हाँ नहीं, वैसे शादी करती इसकी, इनका प्यार प्रेम था जी दोनों का, प्यार करते थे आपस में। तो इनकी मर्जी से इनकी शादी कर दी, फिर शादी कर दी, लायक इनकी गाड़ी वाड़ी सबको दे, सारा दान दे दिया था। उसके बाद फिर ये 3 लाख रुपये मांगती है, इनको पैसे दिए नहीं। वो सब देने के बाद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी। हाँ, इसके एक लड़का भी 2.5 साल का लड़का भी, बच्चा भी है उसका। फिर उसने उसे 3 लाख रुपये मांगती है, उसे बेचारे गरीब ने वो 3 लाख रुपये दे नहीं पाई। अब उसके बाद उसकी लड़की दुखी रखने लगे, मार पीटने लगे, जब मर्जी मारते उस लड़की को, बहुत परेशान करते थे उसको। गुनगुन ने कभी घर पे बताया नहीं अपनी मम्मी को कि जी ऐसे ऐसे थान तहसीली खूब होते, पर उसकी सुनाई नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते पुलिस वाले, उसकी सुनते सुन गुनगुन सास की उसकी चलती है। कुछ नहीं करता, दारू भांग पीता था और वैसे वो सप्लाई करता, दारू बिकता वो, गांजा बिकता वो, ये सब बातें पहले नहीं पता थी। पहले नहीं पता थी इसको, पहले से पहले नहीं कहता था, डीजे की दुकान में लग रहा है काम करता डीजे का, ये बात थी जी उसकी। पहले इन दोनों की मतलब पहले दोस्ती हुई होगी कैसे भी, तो इन दोनों का प्यार हुआ, प्यार प्रेम, तो फिर घर वालों ने शादी करा दी इससे पहले कि शादी हो जाए, अच्छी बात है। वो इनकी शादी कर दी, फिर ये रहन चले गए, फिर 1 साल बाद इनकी कलेश भाई चलने लगा। पैसे का मामला था इनके, भाई लाख दो दे मैं मकान बनाऊंगी। वो बेचारी गरीब ने कहाँ से 2-3 लाख रुपए देती,
लड़की शादी में कैसे कैसे करी थी उसने बेचारे ने। मैरिज में तो दहेज का भी कुछ वो नहीं। हाँ हाँ जी लव मैरिज में। हाँ फिर भी दान दे दिया था, गाड़ी वाड़ी सब दी थी उसको, सब दी थी उसको, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद हाँ उसके बाद भी कलेश बाजी रखा। फिर मैंने कल देखा तो कल भी ये बता दी मैं मारी, मेरे सास ने बाल पड़ मारते, मेरी छाती में घूसे मारते बहुत, मतलब हाथ भी मारते बहुत बुरी कराती उसके। फिर उसे घर ले जाने क्या होता पड़ता उस हॉस्पिटल में, करते उसे एडमिट। आप उसकी मम्मी बड़े घटना है। गुनगुन का फोटो है कोई? गुनगुन का फोटो है उनके नाम के पास। किसके? ये घर परिवार से देख सकते हैं कि किस तरह से गुनगुन को, जैसा कि कह रहे हैं कि अस्पताल में भर्ती कराने आए थे लेकिन मार दिया जाता है। और गुनगुन का फोटो होगा? पानी पिला पानी, ये देख रहे हैं माँ है लड़की की जो बार बार बेहोश हो रही है अपने बच्चे के उसमें, ये देख सकते हैं हालत देख रहे हैं आप, एक माँ की हालत कैसे बेहोश है। माँ है लड़की की? माँ मैं बहन हूँ। ये देखें बुरा हाल है माँ का, लगातार बेहोश हो रही है, पानी डालकर उसे उठाया जाता है लेकिन उसके बाद भी फिर बेहोश हो जाती है। जिसकी जवान लड़की चली जाती है उस पर क्या बीतती है ये आप समझ सकते हैं कि, लेकिन परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने 3 साल ही हुए, 3-4 साल शादी को हुए हैं, सिर्फ 3-4 साल में ही इन्होंने हमारी लड़की खत्म कर दी। अभी पिछले साल भी हम अपनी लड़की को लड़ाई झगड़े में ले आए थे इन्हों से, इससे हमने इसके लड़की के आदमी से भी हमने लेटर लिखवाया था, पता नहीं वो लेटर कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। दहेज मांगते थे, कहता गाड़ी लेकर क्या, मतलब कुछ ना कुछ मांगते ही रहते थे, कैश मांगते थे, कैश मांगते थे, गाड़ी तो हमने दी थी, बाइक कह रहे थे कि बहुत दहेज भी तो दिया था। बहुत दहेज दिया है सर, पूरी शादी, हाँ जी गाड़ी दी है, जबकि लव मैरिज थी, लव हाँ लव करके शादी कर रहे हो तुम, अपने साथी को साथ में रखो, यहाँ शमशान घाट में पहुंचाने के लिए शादी करी थी। हाँ ये लव मैरिज का फिर फायदा क्या है, लड़कियां फिर लव क्यों कर रही हैं, अरेंज में पिट रही है, लव में पिट रही है, लव में मर रही है, अरेंज में मर रही है, तो फिर लड़की लव ही ना करे इससे अच्छा। माँ बाप के भी बुरे होते हैं। हाँ जी माँ बाप के बुरे हो जाती है लड़की, सबकी बुरी हो जाती है। इस लड़के की माँ ने मुझसे अभी कुछ टाइम पहले, जब मैं लड़की को अपने साथ घर लेके गई थी दिल्ली, 3 लाख रुपए मांगे थे इसकी माँ ने मुझसे कि मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मुझे घर बनवाना है अपना। हाँ जी उसने कहा था मुझे 3 लाख रुपए दे दो, तुम मुझे पैसे दे दो मैं घर बनाऊंगी, और बाद में तो फिर देना दे बंदा। मैंने इसलिए मना कर दिया, मैंने जी मैं नहीं दे रही, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया पैसे वैसे, मैं नहीं देती पैसे वैसे उधार। तो इस चक्कर में इन लोगों ने फिर उसको बहुत मारा कि उसने पैसे क्यों नहीं दिए तेरी मौसी ने। हाँ जी एक एक दिन का, हाँ जी टॉर्चर करता था बहुत, टॉर्चर ही करा जा रहा है, बहुत मारता था इसको बहुत, जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से लगातार मारता रहा। आखिर में मार मूर के अंत में उसे शमशान घाट पहुंचा दिया लड़की। लड़की ने पहले भी बताया होगा घर पे कि ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है। जी गला घोटा गया था लड़की को, जिस टाइम उसके पेट में बच्चा था यानी प्रेग्नेंट थी उस टाइम उसे मारा, और डिलीवरी होने के बाद इसकी माँ ने और इस लड़के ने दोनों ने इसको बहुत मारा, बहुत यानी हद पार कर दी थी उसे मार मार के। और फिर कुछ टाइम बाद मैं इस लड़की को लेकर के गई थी अपने घर, इसके सर में इतनी सूजन थी उस लड़की के, और मतलब इतनी मवाद थी उस लड़की के सर में हद से ज़्यादा, जो मैंने चेकअप करवाया था हॉस्पिटल से, दवाइयाँ दिलवाई थी प्राइवेट हॉस्पिटल से। फिर ठीक करके उस लड़की का मैंने महिला आयोग से केस डाला था तलाक का। उस लड़की ने फिर ये बोला कि मैं वकील करने जा रही थी उसके लिए तलाक के लिए, तो उस लड़की ने बोला मौसी मुझे एक बार और मौका देने दो। हर कोई चाहता है कि उसका घर परिवार ना बिगड़े, यही सोचा था उस लड़की ने कि मेरा घर ना बिगड़े। हाँ जी इतना मार खाने के बाद भी उस लड़की ने यही कहा था कि मेरा घर ना बिगड़े मौसी, मुझे एक बार मौका देने दो, क्या पता ये सुधर जाए। मैं पता थी लड़का नहीं सुधरेगा, जो तुझे इतने समय से इतनी बुरी तरह मार रहा वो कभी नहीं सुधरेगा। आखिर में उस लड़की ने हमारी नहीं मानी, इसके ही प्यार के चक्कर में आज वो यहाँ तक आ गई है। तो प्यार अगर ऐसा होता है तो भगवान कभी कोई प्यार ना करे। और ये क्या करता है? ये लड़का 2 नंबर का काम करता है, स्मैक गांजा बेचता है, दारू बेचता है। क्या नाम है? मतलब सुजल। अच्छा जी सुजल ही है। अच्छा, जी
सुजली नाम पता है मुझे और आयुष नाम पता है इसका, और मुझे नहीं पता इसका। और ये लोग दो नंबर का काम करते हैं। इस दौरान हमारी लड़की 16 साल की थी, इस लड़के ने आना जाना हुआ चालू करा मेरी बहन के यहाँ पे। लड़की ऐसी खेलती कूदती थी हमारी, ऐसी इसने मतलब नजर डाल करके पसंद कर लिया, तो इस लड़की को हमारी को धमकी देता था कि तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे भाइयों में शूट करवा दूंगा। हाँ जी, तो उस लड़की ने डर के मारे इस लड़के से शादी कर ली। अब उसे क्या पता थी कि शादी करने के बाद में वो इसके साथ में ये सब करेगा। मुझे हाँ जी, जबरदस्ती करिए शादी। हाँ जी, ये लड़का यही धमकी देता था और ये कहते अगर हम पुलिस कंप्लेंट करने जाते थे नोकिया कोतवाली में तो ये कहते कि हम पुलिस वालों को पैसा देते हैं तो तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लेंगे वो लोग। हाँ, इन लोगों ने खुद हमें बोली ये बात। बस ये था कि मुझ पर मोबाइल नहीं था उस टाइम पे, वरना मैं इनकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती ये सब बातें। शादी को दो ढाई साल हो गए मैडम। बच्चा वगैरह भी है? एक छोटा बच्चा है। अच्छा। जी, फिलहाल मौके पर आपकी जब आपने देखा कोई फोटो है उसका? नहीं, हाँ। मैंने इस लड़की की डेड बॉडी देखी। किसी के मोबाइल में हो तो एक बार दिखाएं जरा, फोटो है मोबाइल में आपके भैया? मेरी बहन ने इसको ठीक ठाक लड़की को यहाँ से दवाई दिला के, गुनगुन का फोटो दिखाना एक बार जरा, लड़की को दवाई दिला के यहाँ से फोटो किसी अस्पताल से दवाई दिला के उसको ठीक ठाक घर भेजा। घर भेजने के बाद में इन लोगों ने न जाने क्या करा उस लड़की के साथ, जो लड़की मतलब मर गई। एकदम ठीक ठाक ऑटो में बिठाया था इसे। अब ये तो यही जानते कि इन लोगों ने क्या करा उस लड़की के साथ। जब लड़की ठीक ठाक बैठाई है तो इन लोगों ने ही कुछ करा उसके साथ में, ये हम जानते हैं। तो अब क्या हुआ इसमें? पुलिस ने मुकदमा, लड़की की बॉडी देखी है, मैं बता रही हूँ, मैंने लड़की की बॉडी देखी है। लड़की की बॉडी मुझे ऐसा लगा है जैसे उसका मुंह दबा के या फिर मतलब गला दबा के उसको मारा, उसकी आंखें जिस स्थिति में खुली हुई है ना, आपको शक है कि उसको मारा गया। और उसकी बॉडी पे जो नील निशान आ रहे हैं बॉडी पे पकड़ने के, पोस्टमार्टम में से पता लग जाएगा। हाँ जी, कैसे क्या हुआ क्या नहीं, तो हम पोस्टमार्टम का ही इंतजार कर रहे हैं। अब पुलिस फोटो दिखा जी, ये देख सकते हैं गुनगुन, गुनगुन नाम था इसका। और कितनी है जो इसकी? जी 19 थी। आप पुलिस ने क्या मुकदमा दर्ज किया? हाँ जी कर लिया। किस किस के खिलाफ? खाली हमें नहीं पता जी, अभी किसी को भी नहीं पकड़ा उन्होंने, तो सब खुले मुकदमा दर्ज नहीं करा, खाली लड़की की बॉडी यहाँ ला के धर दी है और कुछ भी नहीं करा उन्होंने। मुकदमा दर्ज नहीं करा है किस किस के खिलाफ? लड़की हमारी देखो, और ये बच्चा है, ये देखे मासूम बच्चा, ये बच्चा तो ये तो बहन का, और ये तो ये बच्चा बहन का बच्चा, ये नहीं है उसका बच्चा, ये देख सकते हैं, देख लीजिए कितना छोटा सा बच्चा है, गुनगुन का बच्चा जी। और परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे मार दिया, परेशान करते थे, तंग करते थे, दहेज मांगते रहते थे, जिसको लेकर उसको लगातार टॉर्चर करते थे और कल उसको मार दिया, ऐसा परिवार का आरोप है। ऐसा इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे इन लोगों ने हमारी बेटी को तिल तिल करके मारा ना, ऐसे तिल तिल करके ये भी मरने चाहिए। अभी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल लेके आए थे, हॉस्पिटल लेके आए थे और वहाँ हॉस्पिटल से वो वापस इधर ले गए, हॉस्पिटल लेकर के आए कि नहीं लेकर के आए ये नहीं पता हमारे को, पर ये हॉस्पिटल लेके आए थे। इस लड़की की सास ने कहा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तो वो हॉस्पिटल ना ले जाने के बजाय उसे घर क्यों लेके गई? अगर वो मर भी गई थी तब भी उसे हॉस्पिटल ही लेके जाना चाहिए था, वो घर क्यों लेके गई? और लड़की की माँ को भेज दिया था पैसे लेने के लिए? हाँ जी, लड़की की माँ से पैसे मंगाए थे उन लोगों ने इलाज कराने के लिए 1-1.5 लाख रुपए, कि हम प्राइवेट इलाज कराएंगे, तुम लोग आ जाओ जल्दी। तो आप देख रहे हैं परिवार है, यहाँ पूरा परिवार पहुँचा हुआ। एसी नगर का मामला है जहाँ एक लड़की की मौत हो जाती है और परिवार का आरोप है कि लड़की को ससुराल वालों ने मार दिया, ऐसा परिवार का आरोप है। अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सब पहुँचे हैं, आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।